नमस्कार दोस्तों। तो यह आइसर की गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए क्या कुछ काम किया गया है, सारी चीज बताई जाएगी। अगर आप भी कंपनी की बॉडी लेना चाहते हो तो यह वीडियो जरूर देख लें, तो आपसे एक एक करके सारी चीज दिखाई जाएगी। पहले देखिए आइसर की गाड़ी कौन सी है, ये देखिए दोस्तों, प्रो 3019 डबल केबिन के अंदर आइसर की गाड़ी है ये, 2024 मॉडल। आगे इसमें पाटड़ी बनाई गई है, ये देख सकते हो आप, बढ़िया मजबूत। अंदर दोस्तों इसमें सीट बनती है जाड़ में नॉर्मल, लेकिन कस्टमर ने इसमें सीट नहीं बनवाई, केबिन के अंदर स्लीपर केबिन नहीं बनवाया। ये ऊपर इसके टूल आएगा, वो टूल अभी बना नहीं है, अभी टूल बनेगा। बाकी टूल अगर आपको देखना तो अपनी और वीडियो देख सकते हो, आपको सेम टूल बनेगा इस पे भी। और अब दिखाते हैं आपको बॉडी में क्या कुछ काम किया गया है। तो यहाँ आगे से ही शुरू करते हैं, देख सकते हो आप, आगे 2 इंची एंगल दी गई है दोस्तों। एक ये सीडी का पाइप और लगाया गया है, 3 कुंडियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर आगे रस्से के लिए, 3 उस साइड हैं, और ऊपर का आप देख सकते हो, सो सामने से दिखेगी आपको, ये देखिए, ये आगे से एंगल घुमाई गई है इसके ऊपर से 6-7 इंच उठाकर ऊपर, ये देख सकते हो। सेम इस साइड भी 2 इंच एंगल है, 3 कुंडिया इस साइड। आगे का दोस्तों केबिन के ऊपर जो आप ये देख पा रहे हो सीट लगी है यहाँ पर, उस साइड से दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर धूप ज्यादा आ रही है, ये देखिए। यहाँ पर जो कंपनी देती है वो इस शीशे के ऊपर, यहाँ से अगर कोई सामान गिर जाए तो वो शीशे पे गिर सकता था, इसलिए ये आगे सीट लगाई गई है। अंदर से आपको और अच्छे से दिख जाएगी, तो ये आगे की, और देख सकते हो आप, एक बार अंदर से दिखाते हैं आपको, फिर दिखाएंगे बाहर का। वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप कंपनी की बॉडी लेना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए ही है। अब देखिए दोस्तों, ये आगे का काम किया गया है, यहाँ पर ये सीट लगा दी गई है, प्लेन सीट है। केबिन के शीशे की पूरी प्रोटेक्शन हो चुकी है, एक एक पाइप यहाँ पर लगा दिया गया है, ये वाला ऊपर, ये एंगल लगा दी गई है। आपको अलग से ही दिख जाएगा दोस्तों, काम अभी रंग होना बाकी है गाड़ी का, बगैर कलर का काम समझ लेना यही किया गया सारा। ये पाइप देख पा रहे होगे आप, ऊपर डी पाइप रखा गया दोस्तों, इस पे हाइट नहीं बढ़ाई इस गाड़ी की, रिपट अभी लग रही है इसमें, ऊपर डी पाइप है, और यहाँ पर एक एक पाइप और दिया गया है 1 इंच वाला ही जाल। आप देख सकते हो कितना गहरा जाल हो चुका है। सब पाइप कंप्लीट कर दिए गए हैं दोस्तों, ये नीचे जो आधे पाइप थे आपको अलग ही दिख रहे होंगे बगैर कलर के, ऊपर डी पाइप पूरी लेंथ पे लंबाई पे, और 3 बत्ते बनाए गए हैं। और एक स्पेशल काम दोस्तों, आपको ये डबल यहाँ पर गिलास ही दिख रही होगी, ये डबल इसलिए दोस्तों, इसका आधा जो बत्ता है यहाँ से यहाँ तक का वो इस साइड टांग दिया गया है साइड में, यहाँ से देख भी पा रहे होंगे आप, हुआ। और आधा बत्ता जो आगे का वो उस साइड है, इसमें 2 हिस्सों में बीच वाला तिरपाल वाला पाइप बनाया गया है। अब दिखाते हैं आपको नीचे का काम। अब देखिए दोस्तों नीचे का काम, यहाँ पर फट्टा टूल बनाया गया है, ये डबल कब्जे लगाकर मछली चद्दर लगाकर शानदार, यहाँ पर एक नीचे एंगल भी दी गई है, उस साइड से बंद है ये, और नीचे ये पैर बहादरी की एंगल लगाई गई है, पैर टेकने के भी काम आती दोस्तों ये रस्सा तिरपाल मारते वक्त। और यहाँ पर सभी पाइपों की सपोर्ट हो गई है, नीचे से पाइप बंद चुके हैं, और ये टूल बनाया गया शानदार सा, 3 कब्जे यहाँ पर देख सकते हो, पूरा बड़ा टूल है, अंदर से आप देख पा रहे होगे, ये देखिए नीचे 2 स्पॉट में एंगल दी गई है, और ये जाली देख सकते हो आप साइड से, एक बार यहाँ पर मछली चादर घुमाई गई है, ये पीछे दोस्तों 2.5 इंची एंगल लगाई गई है, और यहाँ पर ये डाला पत्ती है,
पीछे का काम देख सकते हो दोस्तों, ये ऊपर बत्ता है, नौ कुंडियां बत्ते के ऊपर भी, और ये फट्टा एंगल बनाई गई यहाँ पर, फट्टा डालने की जगह। फट्टे बनाए नहीं जाते दोस्तों, कई भाई पूछते हैं फट्टे नहीं बनाए जाते, फट्टे का चार्ज अलग लगता है अपने यहाँ, नॉर्मल फट्टे नहीं बनते, लकड़ी के फट्टे चलते हैं। पीछे डाले के ऊपर कुछ इस प्रकार काम किया जाता है, दो इंच एंगल रखी जाती है और हर एक पत्ती यहाँ पर नीचे ऊपर से लेके कब्जे तक और एक बीच में, और मोटे वाली कुंडी लगाई गई दोस्तों। ऐसी कुंडी दोस्तों कंपनी ने भी नहीं दे रखी है, देख पा रहे हो आप, ये देखिए कंपनी की बॉडी पे भी किस प्रकार की कुंडी दी है कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कुंडी बढ़िया ओरिजिनल कुंडी लगाई गई है, और दो कुंडियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। डाले का पीछे से लुक देख सकते हो आप एक बार, और वाली तो अलग ही है, टेम्पर वाली जोधपुरी जाली बनाई गई है। यहाँ पर ये सेंसर फिट किए गए हैं, पीछे का लुक देखिए दोस्तों एक बार, यहाँ पर ये सेंसर फिट किए गए हैं कितने शानदार तरीके से, बिल्कुल कंपनी जैसी फिटिंग कर दी गई सेंसरों की। टेपर वाली जोधपुरी जाली बिल्कुल अंदर से टाके मारे गए हैं सारे। ये लटकने वाली प्लेट हैं, तीन प्लेट यहाँ पर, ये देख सकते हो कितनी सफाई के साथ काम किया जाता है, सारे टाके अंदर से मारे गए हैं वेल्डिंग के। ये देखिए पीछे से लो, इस साइड देख सकते हो आप, इस साइड एक ये बोर्ड लगाया गया है अपना नाम लिखवाने के लिए या अपनी कंपनी का एड्रेस मोबाइल नंबर। इस साइड भी पैर बहादरी के एंगल, इस साइड से फट्टा टूल बंद केबिन के ऊपर का टूल अभी बनेगा और लगभग सारा काम हो चुका है, तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों किस प्रकार की लगी आपको बॉडी, और कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं, अगली वीडियो में सुधारने का काम करेंगे। और गाड़ी में अगर कोई कमी नज़र आ रही हो तो ज़रूर बताएं, वो भी अगली गाड़ी में आप ज़रूर सुधारेंगे।